शब्द से मचा हड़कंप। दिल्ली कई स्थानों पर दी गई दबिश, खाद्य पदार्थों के लिए गए सैंपल, चालानी कार्रवाई भी की गई। ऑपरेशन विशुद्ध के तहत खाद्य व औषधि की टीम लगातार इंदौर के कई क्षेत्रों में पहुंचकर दबिश दे रही है। शहर भर में कई दुकानों पर आज भी टीम ने दबिश देकर वहां से सैंपल जुटाए। आज खाद्य विभाग की टीम ने गंगवाल बस स्टैंड क्षेत्र में अपनी दबिश दी। विभाग की आधा दर्जन इकाइयों में से एक साथ इस क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की गई। पांच स्थानों पर मारे गए छापे में टीम ने पांच घरेलू गैस की टंकियां जब्त की हैं, साथ ही कई जगहों से खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए हैं। वहीं जिन स्थानों पर गंदगी देखी गई, वहां नगर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। विशुद्ध के नाम से एक कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें मिलावटी खाद्य पदार्थ, नापतोल की शिकायतें, घरेलू गैस टंकियों का उपयोग, इन तीन चार चीजों को लेकर एक दल गठित किया गया है। उस दल गठित के माध्यम से हम लोग अभी आज सभी लोग फूड इंस्पेक्टर साहब, नापतोल के जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ खाद्य विभाग के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी हैं, हम लोगों ने चार से पांच जगहों पर आज दबिश दी थी। उसमें करीब करीब पांच जगह पर गैस की टंकी, घरेलू गैस की टंकी का उपयोग होता पाया गया। उनकी टंकियां जब्त करके उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। साथ ही साथ जहां पर गंदगी पाई गई है, गंदगी वाले स्थानों पर नगर निगम के जो एक्ट के अंतर्गत चालान की कार्रवाई है, वो चालान की कार्रवाई की गई। तथा जो नाकोड़ा नमकीन पे यहां पर मक्खियां वगैरह पाई गई थी, तो उस दृष्टिकोण से लस्सी का यहां पर एक सैंपल लिया गया है। कलेक्टर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन विशुद्ध के तहत कई दलों को गठित किया गया है, जिसमें नापतोल विभाग, खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पनीर, लस्सी, आइसक्रीम, दूध, जलेबी, फ्रूट ड्रिंक्स के सभी स्थानों से सैंपल लिए जा रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम ने अभी तक मल्हारगंज, छत्रीबाग, अन्नपूर्णा रोड स्थित मिनी पार्लर आइसक्रीम से आइस कैंडी व एक रेस्टोरेंट से पनीर के सैंपल लिए। खाद्य विभाग की टीम के अधिकारियों का कहना है कि यहां की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके चलते यहां छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें आरओ के पानी से आइसक्रीम ना बनाना पाया गया। जो ऑपरेशन विशुद्ध चला जा रहा है उसी के तारतम्य में जो है अन्नपूर्णा क्षेत्र में ये जो आइसक्रीम फैक्ट्री है, यहाँ पर कार्रवाई की गई है। और इसकी शिकायत काफी समय से प्राप्त हो रही थी, और इसमें जो है जो प्रथम दृष्टया हमने पाया है कि यहाँ पर जो आइसक्रीम निर्मित हो रही है या जो मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, उसमें जो है आरओ वाटर का यूज़ नहीं किया जा रहा है। और जैसा कि शिकायतकर्ता कहता है कि इसमें सैक्विन मिलाई जाती है, उसकी जांच के लिए हमने कुछ सैंपल्स लिए हैं। ऑपरेशन विशुद्ध के तहत अभी तक 25 से अधिक स्थानों पर दबिश दी गई है, जिसके तहत कई स्थानों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़, इंदौर।